अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अफोर्डेबल बीबी क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बहुत ज़्यादा हाई कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पानी से भी और पसीने से भी ये बीबी क्रीम नहीं उतरती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मेरे पास है M2N की बीबी फाउंडेशन क्रीम। 24 आवर ये आपके फेस पे स्टे करती है और बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइस इसकी तकरीबन 650 से लेके 750 रुपीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ना M2M लंदन है ये ब्रांड, ठीक है। और पैकेजिंग भी आप देख चुके हैं, पैकेजिंग में आपको दिखा रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह इधर मेंशन है। अच्छा, प्राइस इसकी तकरीबन 650-750 के करीब आपको ये ना किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करने का भी तरीका बताया आपने, इसको कोई भी आम जैसे नॉर्मल हम बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं उस तरीके से ही अप्लाई करना है, कोई इसमें ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। कि वैसे आपको पता है कि बीबी क्रीम की जो कवरेज है वो फाउंडेशन की तरह नहीं होती, यानी कि लाइट कवरेज होती है, बिल्कुल आपके फेस को हल्का सा टोन अप कर देता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को एक दो शेड्स ब्राइट कर देता है। लेकिन इस बीबी क्रीम को यूज़ करने के बाद वाकई में आपका चेहरा बहुत ग्लोई लगता है, ब्राइट लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपका खुद का ही कलर है, आपके फेस पे आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे चूँकि इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है, बहुत ही प्यारी ट्यूब पैकेजिंग है इसकी, और काफ़ी ये वाकई में ही वाटर प्रूफ है और स्वेट प्रूफ भी है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसका रिज़ल्ट दिखाया था और वीडियो के एंड पे भी मैं आपको इसका वाटर प्रूफ टेस्ट दिखाऊंगी, तो आप लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बीबी क्रीम कितनी अच्छी है। आपको पता है मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी होती है और जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो अच्छी नहीं होती। तो आपको पता है मेरी वीडियोज़ तो स्पॉन्सर्ड नहीं होती, मैं सब कुछ खुद ही बाय करती हूँ। तो यहाँ पर इसकी ट्यूब पैकेजिंग है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके पीछे ऑलरेडी मेंशन है, और M2N लंदन की ये बीबी क्रीम है, और यहाँ पे जो है ये 24 आवर्स आपके फेस पे स्टे करती है। स्वेटिंग भी अगर हो आपके फेस पे, स्वेटिंग भी हो तो ये उससे भी नहीं उतरती या बहती नहीं है। क्योंकि मैं आपको पता है, मैं आप लोगों के साथ यूज़ करने के बाद ही रिव्यू शेयर करती हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी ले ली थी, हैंड्स पर अप्लाई कर ली थी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो फिंगर्स से, ब्रश से, जो जैसे आपको बेहतर लगे। तो इसको मैं अच्छे से जो है ना फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है फिंगर से जो है चीज़ अच्छे से जो है ब्लेंड भी हो जाती है और अप्लाई भी हो जाती है, और प्रोडक्ट भी जो है वो कम यूज़ होता है। और यहाँ पे देखें जी, मैं अब आपको बस इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें कि कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। एक बीबी क्रीम है ये, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी वाकई में ही बहुत अच्छी है। आप इसको एज आ फाउंडेशन भी डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है आप पूछते हैं कोई अच्छी बीबी क्रीम बताएं, कोई अफोर्डेबल भी हो लेकिन रिज़ल्ट भी अच्छा हो, चेहरा थोड़ा ब्राइट भी लगे, ग्लोई भी लगे, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें बीबी क्रीम। आपको पता है कि यहाँ पे जो आप इसका शेड देख सकते हैं, आई थिंक सो इसमें एक ही शेड आता है, कैमरे में आपको बहुत वाइट लग रहा होगा शेड, लेकिन ये इतना वाइट नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि फेस पे थोड़ी देर लगी रहने के बाद बिल्कुल आपके स्किन की तरह ही अच्छे से आपकी स्किन में ना एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लोई भी लगती है, और वाटर प्रूफ टेस्ट आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वाटर प्रूफ है, जिधर जिधर लगाई उधर बिल्कुल भी ये बह नहीं गई, जैसे दूसरी बीबी क्रीम जो है बुरी तरह आपके फेस से उतरने लग जाती हैं। तो एक बीबी क्रीम ये है, लेकिन इसकी वाकई में बहुत अच्छी कवरेज है, आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो ये काफ़ी आपके फेस पे भी अच्छी लगती है लगाई हुई। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छा खासा पानी इसके ऊपर स्प्रे करके दिखा दिया कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल टिकी रही है ये। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।